हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। बजट जो है आज का जो बजट है उसमें कृषि के बारे में जो उन्होंने सुविधाएं दी है वो उनके किसानों के साथ के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो एमएसपी से जो किसानों को फंडिंग किया जाएगा उससे किसानों को खेती करने में अच्छा मतलब उनको सहयोग मिलेगा। ड्रोन द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है कि ड्रोन द्वारा जो खेती होगी वो उनसे उसको सहयोग मिलेगा। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।